सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए पहले हमने यहाँ पर स्लाइस केक ले लिए हैं। देखिए, ये मोंजिनिस वाले स्लाइस केक हैं। 5 रुपीज़ आपको पर पीस पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 3 से 4 स्लाइस केक ले लिए हैं। वाइट चॉकलेट बार ले लिया है, मिल्की बार जिसे आप कह सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो डेरी मिल्क का इस्तेमाल कीजिए, बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। सबसे पहला हमारा काम है चॉकलेट को मेल्ट करना। तो हमने जो डार्क चॉकलेट लिया था उसे पहले फ्रिज में नहीं रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर बाहर रखेंगे और अच्छी तरह से कट करके हम एक बर्तन में डाल देंगे। यहाँ पे हम डबल बाउलर मेथड का यूज कर रहे हैं चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक बर्तन रखेंगे, उसमें हम थोड़ा सा पानी भरेंगे और उसके ऊपर वो बर्तन रखेंगे जिसमें हमने चॉकलेट डाला हो। देखिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा, पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो, ऊपर वाले बर्तन को टच नहीं करना चाहिए। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे रख दीजिए। धीरे धीरे ये चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आप बीच बीच में चला लीजिएगा और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, जैसा हमें चाहिए था। मैं आपको क्लोज में दिखा देती हूँ। इवन अगर आप डेरी मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो वो और भी जल्दी मेल्ट होता है। सो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चॉकलेट की। 2 से 3 मिनट के अंदर ये चॉकलेट हमारे मेल्ट होकर तैयार हो जाएंगे। तो अब बस अब हम इस चॉकलेट को साइड में रखते हैं और सेकेंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रोसेस की तरफ हमने यहाँ पर ले लिए हैं जो स्लाइसेस, हम पहले उन्हें कट कर लेते हैं। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वो अंदर से टूटे हुए ना हो। टूटे हुए ना हो, अंदर से बिल्कुल प्रॉपर शेप में हो। और उसके बाद अगर आपके पास हार्ट शेप का कटर है तो आप उसे कट कर लीजिए, बट मेरे पास यहाँ पे कटर नहीं है और मोस्टली कई सारे लोगों के पास नहीं होता। तो इस तरह से हम उसे कट करेंगे। सबसे पहले नीचे से दोनों शेप कट करेंगे, उसके बाद ऊपर से हम सेमी सर्कल शेप इसे देंगे। ये देखिए, इस तरह का ये लगेगा। फिर बाद में बिल्कुल ऊपर से हल्का सा हम छोटा सा ट्रायंगल इसका कट कर देंगे। ये देखिए, हमने इसका छोटा सा ट्रायंगल कट कर लिया और हमारी हार्ट शेप हमें मिलकर तैयार हो चुकी है। सभी स्लाइसेस के साथ हम इसी तरह करेंगे। यहाँ पे मैंने चॉकलेट स्लाइसेस ली हैं, आप चाहें तो वेनिला स्लाइसेस में मिलती हैं इसमें, आप वो भी ले सकते हैं अपनी पसंद से। और मोंजिनिस स्लाइसेस हैं तो ऑलवेज टेस्टी ही होती हैं। सो ये हमने सभी की हार्ट शेप बनाकर इस तरह तैयार कर ली। यहाँ पे मैं 4 बना रही हूँ, आपको जितने भी चाहिए हो आप उस क्वांटिटी में स्लाइसेस का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो बस अब फाइनल टच की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक प्लेट के ऊपर मैं ये रोटी मेकर छलनी जिसमें हम रोटी बनाते हैं वो रख रही हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। उसके ऊपर हम हार्ट शेप कट वाली स्लाइस रखेंगे और हमने जो डार्क चॉकलेट मेल्ट किया है अब वो अच्छी तरह से हम इसके ऊपर डालेंगे। चारों तरफ से इसके ऊपर हम फैला देंगे इसे। इस तरह की छलनी से यूज करने से क्या होगा, बिल्कुल शेप में चॉकलेट फैलेगी, एक्स्ट्रा पार्ट में चॉकलेट नहीं फैलेगी। सो अब हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट किया था उसे भी हमने उसी तरह मेल्ट किया था जिस तरह हमने डार्क चॉकलेट को किया था। व्हाइट चॉकलेट से उसके ऊपर हल्का सा डेकोरेशन दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से कॉर्नर्स में मैं थोड़ी सी लाइनिंग बना रही हूँ ताकि इसका जो लुक है वो काफी अट्रैक्टिव लगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि व्हाइट चॉकलेट पूरे हार्ट में कर लीजिए और कॉर्नर में डार्क चॉकलेट कर दीजिए, आपको जैसा लुक पसंद हो। वैसे इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट में ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने एक पिस्ता को इसके ऊपर कद्दूकस किया है। ये देखिए, इससे ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। बस इसी तरह हम सभी चॉकलेट्स को रेडी करेंगे। पर जब उठाएंगे आप तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसे उठाइएगा, बिल्कुल आराम से, ये देखिए। और इसे हम दूसरी प्लेट में रख देंगे। हम सभी को इसी तरह बनाकर पहले सेट कर लेते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, जब हम हार्ट शेप कट कर रहे थे तो बहुत सारा जो स्लाइस केक है वो बच गया, छोटे छोटे पीसेस में आ गया, तो उसे भी मैंने चॉकलेट में डिप करके और वाइट चॉकलेट उसके ऊपर रफली सर्व कर दिया है। इन दोनों को हम 15 मिनट फ्रीजर में रखेंगे और 15 मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल सेट हो जाएगा। डार्क चॉकलेट है और ठंडी का टाइम है तो जल्दी से सेट हो जाएगा और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप अपने वैलेंटाइन को ये ज़रूर दीजिएगा, उन्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस रेसिपी को बनाने में आपको बहुत कम वक्त लगेगा, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्टली चॉकलेट सेट है, मार्केट से भी अच्छा टेस्ट है इसका। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। कितना अट्रैक्टिव लग रहा है आप देख पा रहे हैं।
और हार्ट शेप वाला तो ये देखिए, बस जिसे भी आप देंगे जरूर खुश हो जाएंगे। आप अपने पेरेंट्स को दीजिए, फ्रेंड्स को दीजिए, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। देखिए अब हम सभी को निकाल लेते हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स भी मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कलर को अलग